नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो यूनिवर्सिटी व कॉलेज छात्रों का जो रिजल्ट घोषित किया गया है, यानी रिजल्ट आया उसके बारे में, किन छात्रों का रिजल्ट आया, कौन सी यूनिवर्सिटी से आया है और जिनका नहीं आया उनका कब आएगा, इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, एक एक पॉइंट हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के जिस यूनिवर्सिटी ने किन छात्रों का रिजल्ट जारी किया उसके बारे में हम देखते हैं, उसके बारे में हम अन्य अपडेट जानेंगे कि अन्य का रिजल्ट कब तक आएगा अन्य कोर्सों के। ठीक है, पहली जो सबसे बड़ी जो अपडेट आप निकल के आ रही है यानी रिजल्ट को लेकर, वो आ रही है कि एकेटिव की ओर से, एकेटिव के जो छात्र हैं एमसीए के, ठीक है, एमसीए के, बीएचएमसीटी और एमबीए के जो फाइनल वर्ष के जो छात्र हैं, उनका जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट घोषित हो चुका है। जो भी छात्र इस कोर्स के हैं वो अपना रिजल्ट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है आज। ठीक है, अब आपको हम प्रूफ के साथ यहाँ पर आप देख भी सकते हैं और इनका ट्विटर हैंडल अकाउंट है वो भी दिखा देते हैं। ट्विटर पर इन्होंने पोस्ट भी कर दिया कि एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के सत्र 2020-21 के जो एमए, एमसीए, बीएचएमसीटी और एमबीए के अंतिम वर्ष के जो रेगुलर के जो छात्र थे उनका परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। ठीक है, परीक्षार्थी वेबसाइट पर जाके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों रही बात जिन छात्रों का रिजल्ट आया था, जिन कोर्स के छात्रों का आया था उसको मैंने बता दी। अब बात करते हैं अन्य यूनिवर्सिटी और अन्य कोर्सों के छात्र, अन्य जो कोर्स हैं उसका रिजल्ट के बारे में। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेज हैं, उनमें से बहुत सारे छात्र हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो उनका बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, आखिर कब घोषित किया जाएगा। तो हम आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि मैंने अभी एक हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी, हालांकि अभी चार ही पाँच दिन हुए होंगे। ठीक है, तो उसमें मैंने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की जो टोल फ्री नंबर होता है उस पर मैंने बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि रिजल्ट कब आएगा, उसके लिए मैंने वीडियो भी बना दी। तो उन्होंने कहा था सितंबर मंथ में रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप, आशा करते हैं कि सितंबर मंथ में जो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम या जो भी प्रमोट हुए थे छात्र उनका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी से अलग अलग डेटों में रिजल्ट आएगा, ये मत सोचिएगा कि एक ही दिन भारत के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों का रिजल्ट है वो आ जाएगा, अलग अलग डेट में आएगा। तो हम आप लोगों को जरूर इन्फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए बोलते हैं चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, पल पल की अपडेट हम आप तक प्रोवाइड करते रहेंगे। बस आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट में लिख दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी ज्वाइन करिए, उस पर भी आपको तत्काल अपडेट मिलती ही रहेंगी। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं यूनिवर्सिटी से कल फिर बात करूंगा और उनसे पूछूंगा, क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी से मैंने बात की थी, शायद कानपुर यूनिवर्सिटी से थी। अब हम अगर आप सभी की ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम एक यूनिवर्सिटी से टोल फ्री नंबर पे या फिर उनके जो पर्सनल नंबर होता है उसको हम फाइंड करके और उनसे अपडेट लेकर कि रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। ठीक है, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई अपडेट और रिजल्ट जो आएगा उसके बारे में। तब तक ले जय हिंद।